क्या एक मिनट में बात करते हैं इतने बस रेडी हाँ चलिए जी बिस्मिल्लाह बाबा जी लाहौर चटहारा में लाहौर के मजे के लिए आए हैं अहमद रिचा साहब हमारे साथ हैं। अहमद भाई थोड़ी सी तफसील बताएंगे। बाबा जी आपको बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। वो कहते ना कि जी जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमया ही नहीं। लक्ष्मी चौक गवाल मंडी दिल्ली गेट एक रेलवे स्टेशन जेल रोड एमए मालम रोड लिबर्टी ये सारे मजे आपको अगर पूरे करने हैं तो आपने आना है लाहौर चटहारा जो कि रिजवे प्लाजे में है 33 नंबर यूनिट बिल्कुल मेन स्ट्रीट के ऊपर। आप आएँ सहरी अफ्तारी आपको यहाँ पे मिलेगी शाम 6 से लेके सुबह 6 बजे तक रेस्टोरेंट ओपन है। और अगर आप रेस्टोरेंट दिखाएंगे तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। जी अच्छा जी हमारे खाने में कौन सी तस्वीर बाबा जी ये है आमिर शमसी साहब। आमिर भाई प्रोग्राम बहुत जल्दी आ रहा है अदनान समी यूनिवर्सिटी लाइव इन कॉन्सर्ट। और बाबा जी थैंक यू सो मच फॉर अ ग्रेट प्रमोशन यू बीन डूइंग इट। 17 मई को आप सबने पहुंचना सी ए सेंटर और टिकट लेके आना। टिकट मास्टर पर टिकट अवेलेबल है 17 मई को सी ए सेंटर में। सी ए सेंटर ब्रैम्पटन अदनान समी लाइव इन कॉन्सर्ट। अच्छा थैंक यू वेरी मच। आज आपने बुलाया फूड टेस्टिंग के लिए सारे गुरु लेकिन ये अच्छा है। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया आने का। आप सब भाइयों को देख के बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिकली हम लोगों ने कढ़ाइयाँ वगैरह हर जगह मिल रही हैं तो हम लोगों ने सोचा कि लेट्स ब्रिंग द स्ट्रीट फूड ऑफ लाहौर। तो उसका थोड़ा सा फ्यूजन हमने किया है तो होपफुली आपको वेरी क्लोज टू लाहौर टेस्ट इंशाल्लाह देंगे। होपफुली जब भी आप खाना खाएंगे तो आपको एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट महसूस होंगे लाहौर के और आप राइट अवे अंदरून की गलियों में जाएंगे इंशाल्लाह। तो होपफुली कोशिश पूरी है कि आपको बेस्ट फूड बेस्ट क्वालिटी बेस्ट क्वांटिटी विद ऑथेंटिक फ्लेवर डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड वेरी गुड। सबसे ज्यादा अच्छी चीज अभी आपको रेस्टोरेंट में क्या नजर आई है सबसे ज्यादा अच्छा मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों से जो रिव्यूज होंगे उसका थोड़ा सा मेथड डिफरेंट होगा क्योंकि ये हमारी कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं है। ये क्लोज फ्रेंड्स को इकट्ठा किया है। एक फॉर्म है जो आप सबको भी मैं दूंगा। आप लोगों ने फूड को टेस्ट करना है खाना है और आपने अपने जेन्युइन रिव्यूज वहाँ पे मार्क कर देने क्योंकि ज्यादातर क्या होता है बहुत अच्छा है लेकिन टेबल पे कहते हैं यार बड़े फर्क नीचे नाम नहीं लिख रहे हाँ। तो आप लोगों ने प्लीज मार्किंग करनी है। इट विल रियली हेल्प अस टू इम्प्रूव द टेस्ट एंड गुड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। लाहौर लाहौर है लक्ष्मी चौक जी। थैंक यू सो मच। इधर से पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। मैं साढ़े 4 बजे पहुँच रहा हूँ।
दो प्लेट बताना भी है हमें बताना भी बाबा जी किसी दिन आ गया जी पप्पू बर्गर भाई मैं पहले अपना काट लिया मैं क्या पहले आ जाएगा जुबान भाई पैर में पहले बैठ जाए शेख साहब मो शेख साहब चार तारीख को ईद के बाद मे की चार तारीख को होने जा रहा है आपके शहर में जुलूस का से जानते होंगे शहजाद भाई माशाल्लाह से जनरल कॉन्ट्रैक्टर और मेरे तो करीबी दोस्तों में से भाइयों में से बल्कि बसंत मेला जो था तो इन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये ली कि हम लोगों ने वो पोस्ट लगानी थी जिसपे झंडे लगने थे सब डंडे 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 और झंडे तो वो सुबह सुबह जो है वो माशाल्लाह शहजाद भाई वहां पे पहुंचे 5:30 बजे होम डिपो के बाद और उन्होंने कहा जी मैं पहुंच गया तुम्हारा बंदा क्या मैं जी वो 8 बजे आएंगे तो इन्होंने कॉफी ली और वहां गाड़ी में बैठे और फिर उसके बाद पूरे ग्राउंड के अंदर जो है ना वो डंडे और झंडे उनके ऊपर शहजाद भाई ने लगाए और यहाँ पे भी आप ये जो आप सारा काम देख रहे हैं पीछे और जितनी भी आप एम्बियंस देख रहे हैं इसकी सारी सेटिंग ये दीवारें खास लगाना ये सारा काम जो है वो शहजाद भाई ने किया बिल्कुल इसी तरह जिस तरह घर के फर्द हैं उस तरह शहजाद भाई शाम भाई जो है वो बसंत मेले में भी हमारे साथ थे लेकिन वो हमारे साथ होते हुए हमसे काफ़ी दूर थे क्योंकि वो आर्टिस्ट के साथ थे और उसके बाद फिर उन्होंने कहा मैं आर्टिस्ट के साथ ही रहना पसंद करूंगा तो 4 दिन इन्होंने प्रोटोकॉल दिया आर्टिस्ट जबरदस्त और जबरदस्त प्रोटोकॉल दिया और शाम भी दोस्तों दोस्त हैं भाई हैं घर की फैमिली की तरह हैं और माशाल्लाह दिन रात शाम इन्होंने यहीं पे गुजारी है ये जो मॉप आप देख रहे हैं लगा हुआ एंड पे अंजाम इन्होंने दिया और इसके बाद भी अभी भी इसके बाद का काम इन्होंने करना है तो गंदगी कम कीजिएगा क्योंकि उनको पहले जाना करनी पड़ेगी बहुत सारी तालियां शाम भाई के लिए